मध्य प्रदेश के नागदा तहसील की खाचरोद में आज 1 अगस्त को सेक्टर पर्यवेक्षक श्रीमती सुनीता साहनी द्वारा सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई। बैठक में स्तनपान सप्ताह के बारे में जानकारी दी और रैली का आयोजन किया और बताया गया कि माँ का प्रथम गाढ़ा दूध पहला प्राकृतिक टीका और माँ का दूध सर्वोत्तम आहार होता है। स्तनपान सप्ताह के अंतर्गत 6 माह के बच्चे को केवल माँ का दूध ही पिलाना है, यहाँ तक कि पानी या घुट्टी भी नहीं। माँ के दूध में सर्वप्रथम पानी आता है, जिसमें बच्चे के शरीर में पानी की पूर्ति हो जाती है। कम से कम 10 मिनट एक ही तरफ का दूध पिलाना चाहिए। बाहर का दूध या अन्य आहार देने से बच्चों में बार बार बीमारी होती है। माँ के दूध में रोगों से लड़ने की क्षमता रहती है। माँ का दूध बच्चे को कई रोगों से बचाता है। यदि माँ नियमित स्तनपान कराती है तो उन्हें भी फायदा होता है। स्तनपान कराने वाली माता जल्दी गर्भवती नहीं होती है, उन्हें स्तन कैंसर नहीं होता है, पैसे की बचत होती है। इस प्रकार स्तनपान माँ के प्रथम दूध पर समझाइश दी गई। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।